हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड आज का ये जो वीडियो है एमआई बैंड के ऊपर है और आज मैं कस्टम रोम किस तरह से आप एमआई बैंड में इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में बताऊंगा। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे ये जो एमआई बैंड है इसमें एमआई 6 का थीम जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके ये एमआई 6 का थीम है। ओके वेदर वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह देख के आपको समझ में आया होगा। ओके इसके अलावा आप ओप्पो वन प्लस का थीम भी इसमें जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से करना होगा इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक नहीं देख रहे तो प्लीज वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इसमें जो है आपका एमआई बैंड खराब हो सकता है अगर आप इस वीडियो को सही से नहीं देखते तो, या फिर स्किप कर देते हैं तो आपका एमआई बैंड डैमेज हो सकता है। फिर प्लीज आप लोग कमेंट में मत बताइएगा कि ये वीडियो देख के मेरा एमआई बैंड जो है खराब हो गया है। पहले वीडियो को देखिए, समझिए, फिर आप अप्लाई करिए। ओके अप्लाई करने से पहले अगर कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसको किस तरह से करना है इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस एप्लीकेशन का नाम है नोटिफाई एमआई बैंड 4 जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है। सो फ्रेंड अभी जो है मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ प्ले स्टोर में एंड प्ले स्टोर में जाके आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। सर्च बार में आपको नोटिफाई एमआई बैंड 4 इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपका फ़ोन में ओपन करना है और एक बात का ध्यान दीजिए, ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका जो एमआई बैंड 4 है ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। ओके अगर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर एमआई बैंड 4 में जाइए एंड रिपेयरिंग एमआई बैंड में टच करके इसको जो है कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपका ये जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका काम नहीं करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एमआई बैंड जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट है। अब आपको जाना है एक वेबसाइट में, जिस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप गूगल सर्च करके भी जा सकते हैं। ओके तो इस वेबसाइट में आपको आ जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। देखिए फ्रेंड ये वीडियो अगर आप सही से देखते हैं, सही से समझ जाते हैं तो आपको और कभी भी कस्टम रोम किस तरह से इंस्टॉल करना है, वॉच फेस किस तरह से इंस्टॉल करना है, ओके आपका जो एमआई बैंड इसको किस तरह से अपडेट करना है, कभी भी आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं सही से तो। ओके तो देखिए यहाँ पर जो है वन प्लस बैंड वॉच फेस आपको देखने को मिल रहा है। ओके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर ओएस वगैरह है, थीम वगैरह है, आपको बहुत सारा डिवाइस का जो है देखने को मिल जाएगा। मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एमआई बैंड का जो एप्लीकेशन है नोटिफाई मी इसको ओपन करने के बाद इस ऑप्शन में जाना है। ओके मैसेज के बगल में जो ऑप्शन है उसके बाद आपको जाना है टूल्स पे, टूल्स पे जाके आपको जाना है अपडेट एमआई बैंड फ्रॉम वेयर। तो यहाँ पर जाके आपका जो एमआई बैंड का वर्सन है उसको देख लेना है। ओके तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा जो है लेटेस्ट वर्सन है और यहाँ पर जो फर्मवेयर है 1.0.9.66 है एंड रिसोर्सेज जो है 96 है। ये दोनों चीज़ अगर आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ इसको समझ जाइए, नहीं तो आपका जो एमआई बैंड है वो डैमेज हो सकता है। फर्मवेयर जो है ये एंड रिसोर्सेज जो है ये दोनों को आपको देख लेना है कौन सा वर्जन में आपका है, 96 है एंड इसका जो है 66 है। ओके 1.0.9.66। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस वेबसाइट में जाना है जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रहा था एंड यहाँ पर जाने के बाद अभी मैं आपको दिखाया था इसमें एमआई बैंड 6 का वॉच फेस, अभी मैं आपको ओप्पो के बारे में दिखाऊंगा जो ओप्पो का जो है या फिर वन प्लस का पकड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए ओप्पो का वॉच फेस है, ओप्पो का वॉच देखिए यहाँ पर कलर ओएस वॉच जो है 1.5 का है और यहाँ पर देखिए इसका जो वर्सन है 96 में भी जाएगा 97 में भी जाएगा। तो आपका 96 एंड 97 इन द सेंस यहाँ पर बताया जा रहा है आपको जो रिसोर्सेस है
जो मैंने बताया था वो रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो आपको जाना है 96 में, अगर आपका 96 है तो 96 में जाइए, अगर आपका 97 है तो 97 में जाइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस जगह पे अगर थोड़ा सा आप मिस्टेक करते हैं आपका MI बैंड जो है डैमेज हो सकता है। आपका अगर 96 है रिसोर्स तो 96 को इंस्टॉल करिए, अगर आपका रिसोर्स 97 है तो आप 97 को इंस्टॉल करिए। तो मेरा जो है 96 है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो इसका मतलब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल का मतलब आप समझ जाइए, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है मेरा डाउनलोड है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड में जाऊँगा, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जो भी है आप इंस्टॉल करते हैं थीम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर ओप्पो बीटा 8.0 जो है यहाँ पर इंस्टॉल है, इसको मैं टच करता हूँ। जैसे आप टच करते हैं तो ये जो है डायरेक्ट नोटिफाई मी एप्लीकेशन में लेके आता है और यहाँ पर जो है स्टार्ट अपडेट में टच करना है। अब स्टार्ट अपडेट में जैसे आप टच करते हैं तो ये जो है आपका MI बैंड में स्टार्ट हो जाता है अपडेट होने के लिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं MI बैंड में जो है अपडेटिंग दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से जो है ये अपडेट होता है। अब एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब ये अपडेट होगा तब आपका MI बैंड मोबाइल का पास ही रखिए, ठीक है। और दूसरा चीज़, इस पेज को, इस एप्लीकेशन को इस जगह पे रहने दीजिए, इससे क्लोज मत करिए। कॉल वगैरह रिसीव करिए बट इस जगह को क्लोज मत करिए। ओके, अगर आप क्लोज करते हैं तो जो ये जो आपका अपडेट हो रहा था ये ब्रेक हो जाता है बीच में, और एक बार अगर ब्रेक हो गया तो फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी इसको मैं अपडेट थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड ये जो है अपडेट हो गया है, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको लुक देखने को मिलता है वॉच फेस का। सो यहाँ पर जो है ओप्पो का OS इंस्टॉल हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोर वगैरह का जो थीम वगैरह है सब कुछ पूरा चेंज हो गया है। ओके, एंड इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हैं इसको। तो मोड में अगर जाते हैं तो देखिए मोड में आपका DND, उसके बाद अलार्म म्यूजिक्स, ओके, सो ये सब फाइंड माई फोन वॉच फेस। ओके, तो देखिए वॉच फेस भी आपको जो जैसा आपका ओप्पो में है वैसे आपको मिल जाता है देखने को। तो इस तरह का वॉच फेस आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप ओप्पो, वन प्लस जो भी है जिसका भी थीम इंस्टॉल करना है आप कर सकते हैं। इसमें आपका जो MI बैंड है डैमेज नहीं होगा। अगर आप मेरा वीडियो को स्टार्ट से देखे है तभी यह काम करेगा, अदरवाइज डैमेज हो सकता है अगर आप सही से अगर नहीं करते हैं तो। तो ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज GI टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।